वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पुनम शर्मा। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए फ्रेंचाइजियों के पास अब केवल एक ही दिन का समय बाकी है। बीसीसीआई नियम के अनुसार हर टीम ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अगले 3 सीजन के लिए रिटेन करने का प्लान है, लेकिन दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले का मानना है कि धोनी सिर्फ एक और सीजन खेलेंगे और फिर उसके बाद वो भविष्य के लिए एक टीम को बनाएंगे। सीएसके धोनी के अलावा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को भी रिटेन कर सकती है। धोनी ने हाल ही में कहा था कि उनका आखिरी T20 मैच चेन्नई में होगा। मशहूर कमेंटेटर का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी को एक नई भूमिका के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सीएसके को एक परिवार जैसी फ्रेंचाइजी करार दिया और उनका मानना है कि एमएस धोनी एक और साल तक बने रहेंगे, जिससे टीम की संस्कृति को नई टीम के साथ ढालने में मदद मिलेगी। धोनी के शांत स्वभाव से कई नए सदस्यों को आईपीएल 2022 की नीलामी के बाद टीम के साथ बसने में मदद मिलेगी। धोनी अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 बार चैंपियन बना चुके हैं। आईपीएल 2022 के रिटेंशन नियमों के अनुसार पहले रिटेंशन पिक को 16 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन धोनी इसके खिलाफ होंगे ताकि सीएसके को अपने फंड को बेहतर तरीके से आवंटित करने में मदद मिल सके। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले ड्वेन ब्रावो को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। सीएसके टीम मैनेजमेंट इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली से भी संपर्क में है। अगर मोइन अली टीम में दोबारा नहीं जुड़ पाते हैं तो सीएसके के पास चौथे रिटेन खिलाड़ी के रूप में धीमी गति से तेज गेंदबाज सैम करन का विकल्प है। सीएसके सुरेश रैना को रिटेन करने के मूड में नहीं है। एमएस धोनी, यू नो इट्स ऑलवेज वेरी डिफरेंट विद सीएसके बिकॉज़ सीएसके इज लाइक अ फैमिली। And the Patriots decided that the leader will continue. The leader is a strong-minded person, but I think the leader has finally said yes. Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.